Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Knowledge wisdom here. I am Vikas Kumar Banwal and you are watching the most important video which is about the RBI decision. Big announcement of RBI. RBI ka bada elan. Kya hai elan? Main bata dun ki 15,000 crore rupees issued for the health emergency services. So let's see. तो बता दूं कि कोरोना के खतरे को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान किया है। आरबीआई ने इस क्षेत्र को 50,000 करोड़ के रुपए के जो है सस्ते कर्ज देने की घोषणा की है, जो रेपो दर पर मिलेगा, जो वर्तमान रेपो रेट है उस पर मिलेगा ये। तो आरबीआई के अध्यक्ष शशिकांत दास ने, सभी जानते हैं इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, सभी लोग इससे वाकिफ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सभी लोगों को जानकारी होगी। तो बता दूँ कि कोरोना को देख के खतरे को देखते हुए जो है आरबीआई ने ये जो है ऐलान किया है, ये बिग अनाउंसमेंट आप बोल सकते हो इंडियन इकोनॉमी के लिए। यहाँ के जितने भी हेल्थ सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हो, नर्सिंग होम्स हो, पैथोलॉजी लैब्स हो, या इक्विपमेंट जो हेल्थ इक्विपमेंट बनाते हैं, उनको पैसे की कमी ना हो, इसी को देखते हुए चाहे इंडिविजुअल किसी को लोन चाहिए, चाहे वो कोई कंपनी को लोन चाहिए, तो सभी को के लिए जो है ये जो है व्यवस्था लागू किया जा रहा है और जल्दी इसको जो है शुरू कर दिया जाएगा एक दो दिन में। तो फटाफट इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब कर ले क्लास को और चैनल को और लोगों को शेयर कर दे, ताकि लोग भी इससे जुड़ सके और जान सके क्या है इस वीडियो में खास और इस वीडियो से क्या मतलब निकल रहा है, आरबीआई का ये प्रावधान किसके लिए है, सभी तरह की जानकारियाँ जो है मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल कर आया बता दूँ कि आरबीआई ने आपात स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये देने के सस्ते कर्ज देने की घोषणा की है। आरबीआई ने कहा है कि वे बैंक, टीका व दवा कंपनियों, कोरोना इलाज के लिए जरूरी उपकरणों, आयातकों, नर्सिंग होम, अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब को रेपो दर पर ऋण देंगे। आम लोगों को कोविड-19 के लिए जो इसी ऋण में ऋण मिलेगा। बैंक 31 मई 2022 तक यह ऋण दे सकेंगे। अधिकतम अवधि इसकी जो है 3 वर्ष होगी। 25 करोड़ तक कर्ज लेने वाले को अपने गठन का लाभ भी मिलेगा। यह सुविधा उन व्यक्तियों इकाइयों को मिलेगी जिन्होंने पहले किसी पुनर्गठन योजना का लाभ नहीं लिया है। 31 मार्च 2020 तक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को कर्ज दे सकेंगे। और बता दूं कि मोरेटोरियम का भी जो फायदा होने जा रहा है। पिछले साल लोन पुनर्गठन का फायदा मिला था, उन्हें भी जो है योजना का लाभ मिलेगा। पिछले साल लोन रिस्ट्रक्चरिंग के तहत 2 वर्ष तक के मोरेटोरियम का फायदा मिला था। तो कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट का आरबीआई का जो डिसीजन लिया गया है, वो जो है आपसे डिस्कशन के बाद आरबीआई चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी ने मिलकर जो है इस तरह का जो है व्यवस्था करने की सोची है। और आगे भी जो है स्थिति खराब होगी देश में तो आरबीआई इस पर जो है अपना पहल जारी रखेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा जो है डिसीजन लिया गया है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो बिल्कुल होना भी चाहिए इस तरह का, अभी जरूरत है देश को तो आरबीआई अभी नहीं लेगी तो कब लेगी, ये समय है कि वो जो है कुछ करे। तो देश तो मैं बता दूं कि आरबीआई के कुछ अहम फैसले भी हैं। वो फैसले क्या हैं से बता दूं कि 35,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूति की खरीद का दूसरा चरण 20 मई को शुरू होगा। 50 दिन तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। 36 दिन की ही जो है था पहले का समय, यानी कहीं ना कहीं सरकार जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीद करेगी और उसकी यानी खरीद प्रोक्त करने वाली है। 10 लाख तक की सहायता को प्राथमिक क्षेत्र के लिए कर्ज माना जाएगा। एमएसएमई को राज्य सरकारों को 30 सितंबर तक ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने की भी सुविधा दी गई है। केवाईसी को सरल बनाने के लिए वीडियो आधारित केवाईसी का भी प्रावधान किया गया है। सरकारी प्रतिभूति खरीद के तहत 20 मई को 35,000 करोड़ रुपये की दूसरी खरीद करेगा। कोविड-19 मामले में बढ़ोतरी से पैदा हुए हालात लगातार नजर जो है रखी है सरकार। आरबीआई ने केंद्रीय बैंक कोविड-19 के तीनों चुनौतियों से निपटने के लिए अपरंपरागत तरीके से अपनाने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि आरबीआई ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से त्रस्त व्यक्तियों तथा सूक्ष्म, लघु और मंझोले उद्योगों यानी एमएसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो है सेवा वसूली नहीं हो पा रही है, कर्जों के पुनर्गठन को छूट देने के सहित अर्थव्यवस्था को संकट से संभालने के लिए जो है कई नए कदमों की भी जो है घोषणा की है। तो कहीं ना कहीं जो है हर एक सेक्टर के लिए जो है आरबीआई काम कर रही है, चाहे वो एमएसएमई हो और बड़े बड़े व्यापारी हों, या 25 करोड़ तक जो लोन लिए हैं उनको लिए, सभी ने के लिए जो है व्यवस्था की जा रही है। केवाईसी के नियम भी जो है आसान बनाया गया है। एसबीआई ने
सॉरी, आरबीआई ने अपने ग्राहकों को जानो केवाईसी अनुपालना के आसान बनाने के लिए कई नई उपायों की घोषणा की और कहा कि बैंक किसी भी खाते से लेन देन पर केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण 2 सितंबर तक, कब तक? सितंबर तक जो है रोक नहीं लगा सकेंगे। इसके लिए प्रोप्राइटरशिप फर्म, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी या वैधानिक इकाइयों के लाभार्थियों लाभार्थी भी जो है इस वीडियो केवाईसी की सुविधा के जो है पात्र होंगे। तो बहुत बड़ा जो है एक डिसीजन लिया गया है। अभी तक जो है बहुत लोगों को आशा थी और बहुत बैंकों ने जो है इसके लिए शुरुआत भी की थी, जैसे कि SBI ने, PNB ने, एक्सिस बैंक ने जो है ऑडियो वीडियो वीडियो का बोल सकते हो वीडियो केवाईसी शुरू की थी, जिसको अब पूरे देश भर में लागू किया गया है, सभी बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो और इसके साथ ही RBI ने कहा है कि खाद और ईंधन मुद्रास्फीति ने जो है महंगाई को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि सामान्य मानसून के पूर्वानुमान से खाद्य मुद्रास्फीति में मदद मिलेगी। RBI गवर्नर ने कहा है कि केंद्रीय को बैंक COVID-19 संक्रमण के मामलों में दोबारा बढ़ोतरी से पैदा हुए हालात की निगरानी भी करता रहेगा। कर्ज पुनर्गठन पर भी जो है विचार करने की बात की जा रही है। RBI ने ऋण पुनर्गठन संबंधी घोषणा करते हुए बताया कि कुल 25 करोड़ तक की कर्ज वाली इकाइयाँ, यानी छोटे जो भी MSME हैं, जो भी भारत सरकार के अंतर्गत जो भी रजिस्टर्ड इकाइयां हैं, के बकायों के पुनर्गठन पर विचार किया जाएगा। यह सुविधा उन्हीं व्यक्तियों या इकाइयों को मिलेगी जिन्होंने पहले किसी पर गठन का योजना का लाभ नहीं लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार इसमें 6 अगस्त 2020 को घोषित पहली समाधान व्यवस्था भी शामिल है। इस नई संविधान व्यवस्था 2.0 का लाभ उन्हीं व्यक्तियों इकाइयों को दिया जाएगा जिनके कर्ज खाते जो है 31 मार्च 2021 तक अच्छे थे, यानी जो कि वर्तमान में जो अभी पिछली महीना जो गई है 31 मार्च 2021, उस समय तक जो है जिसकी स्थिति अच्छी है, जो जो कि बैंक से अच्छे लेन देन कर रहे हैं, ज़्यादा बकाया नहीं रखे हैं और लगातार जो है NPA उनका सुधर रहा है, ऐसे में जो है RBI उनको ज़्यादा तवज्जो देने की बात कही है। तो बहुत ही बड़ा फैसला RBI के द्वारा लिया गया है। और जो है इस तरह से कहा जाए तो बहुत ऐसे छोटे मंझले उद्योग हैं जिनकी स्थिति बहुत ही खराब है, जो कि NPA के कगार पे है, उनको फिर से जो है जीवित करने का एक रास्ता खुलने जा रहा है। तो सरकारों को दी ओवरड्राफ्ट की रियायत, यानी जितने भी राज्य सरकार है उनको ओवरड्राफ्ट की रियायत भी दी जा रही है। RBI गवर्नर ने राज्य सरकारों के लिए ओवरड्राफ्ट के नियमों में कुछ ढील दी जाने की घोषणा भी की है। इससे सरकारों को अपनी नकदी के प्रवाह और बाजार का जो कर्ज है की रणनीति को जो है संभालने में सुविधा मिलेगी। इस ढील के बाद राज्य 1/3 में 50 दिन तक ओवरड्राफ्ट पर रह सकते हैं। और जो है बता दूं कि पहले ओवरड्राफ्ट की स्थिति जो है अधिकतम 36 दिन ही थी, यानी ओवरड्राफ्ट की 36 दिन की मान मात्र दी जाती थी कि अब ओवरड्राफ्ट करके 36 दिन तक, उसके बाद फिर से आपको पैसा लौटानी होगी। लेकिन अब RBI ने साफ तौर पर कहा है कि इसको 16 दिन का बढ़ा दिया गया, यानी 50 दिन तक जो है स्टेट गवर्नमेंट RBI से ओवरड्राफ्ट की यानी पैसे अधिक ले सकती है, चाहे जिस सेक्टर पर ले, चाहे वो लोन के रूप में ले या मॉर्गेज ले ले या लॉन्ग टर्म तो आप बोल नहीं सकते हो, क्योंकि 50 दिन का तो शॉर्ट टर्म ही लोन हो सकता ही है। तो चलिए, बैंक जुर्माना नहीं लगाएं, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन जो लिया गया है। कल ही ये बैठक में ये बातें की गई है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना संकट की मदद के लिए जो है कर्ज के पुनर्गठन की छूट देने सहित कई कदमों का भी जो है ऐलान किया था, उसमें से जो है ये बातें कही गई है। RBI ने बैंकों और विनियमित वित्तीय संस्थानों से कहा है कि KYC अपडेट नहीं कराने वाले ग्राहक के खिलाफ दिसंबर तक कोई दंडात्मक प्रतिबंध न लगाएं। दास ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड से संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए विनियमित संस्थानों को सलाह दी जाती है कि ग्राहक खातों के लिए जहां 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 समय समय से KYC अपडेट लंबित है, वहां ग्राहक खाते का संचालन पर कोई दंडात्मक प्रतिबंध जो है 1 दिसंबर 2021 तक लागू ना किया जाए। ऐसे में बैंक या विनियमित वित्तीय संस्थान विधिक कारण को छोड़कर ग्राहक खातों पर दंडात्मक प्रतिबंध नहीं करेंगे। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि बैंक लोग डर से जा रहे हैं, निकल नहीं रही हैं, बहुत ऐसी स्थिति है जिनको पैसे की सख्त जरूरत है। ऐसे यदि कोई बैंक एक्शन लेता है तो उनको बहुत सारी समस्याएँ हो सकती है, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों को जो है बहुत ही स्थिति है, विदेश में हालत ख़राब है। तो इस तरह से डिसीजन लेने से जो है कुछ हद तक जो है कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लोग जो है इसका लाभ उठा सकते हैं और उनको राहत मिलेगी, आने वाले समय में जो है सुधार देखने को मिलेगा, चाहे उनको स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई क्यों ना हो। तो बुनियादी स्तर पर मददगार लघु ऋण बैंकों के लिए जो है 10,000 करोड़ रुपये की विशेष दीर्घकालिक रिपोर्ट परिचालन की घोषणा की गई, यानी दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म के लिए जो है 10,000 करोड़ रुपया लघु ऋण के लिए दी गई है, जिसमें कि सीड भी हो सकता है और भी ऐसे बहुत सारे बैंक हैं।
इसके तहत एमएसएमई इकाइयों को 10 लाख तक की सहायता की प्राथमिकता क्षेत्र के लिए कर्ज माना जाएगा। यानी छोटे एमएसएमई है जो कि 50 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ में जो काम करने हैं, जिनका टर्नओवर एनुअली है, उनको 10 लाख तक की सहायता प्राथमिकता क्षेत्र के लिए दी जाएगी, ताकि वो जो है अपना उन पे उद्योग में लिक्विडिटी बना रहे, या उनको कोई तरह का दिक्कत ना हो, चाहे लेबर से जुड़ा हुआ हो, कच्चा माल से जुड़ा हुआ हो, कोई उत्पादन से जुड़ा हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की जाए, यानी कहीं ना कहीं जो है कुछ हद तक बोल सकते हो, यानी 30% जो है कुछ ना कुछ इनको मदद करने की जैसी स्थिति बनाई गई है। लेकिन इससे जो है कुछ नहीं होने वाली, और भी सरकार को जो है बड़ी एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि लिक्विडिटी मार्केट बना रहे, लोगों को जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो, जो भी छोटे छोटे एमएसएमई हैं या बड़े बड़े उद्योग संस्था हैं, वो भी जो है इसी स्थिति में जो है बंद पड़े हुए हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। उसमें बुनियादी स्तर की भी मदद जो है मिलने की बात की जा गई है, लेकिन ऐसी स्थिति में जो है सरकार को और आरबीआई को और बड़े उच्च स्तर पर जो है ये निर्णय लेने की ज़रूरत है। 35,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूति खरीद होगी, तो सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो है खरीदने वाली है। आरबीआई ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में वित्तीय संसाधनों का प्रभाव बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूति खरीद कार्यक्रम जीसेप, जिसका नाम दिया गया है 1.0 के तहत 25 सॉरी 20 मई को, जो कि आने वाला समय में है, आज तो 6 तारीख हो गया है, यानी 15-13 दिन के बाद ही, को 35,000 करोड़ रुपये की दूसरी खरीद की जाएगी। आरबीआई ने 2 सप्ताह में 35,000 करोड़ रुपये की सरकारी खरीद प्रतिभूतियों जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की दूसरी खरीद करेगा। बॉन्ड खरीद कार्यक्रम पर स्पष्टता लाने के लिए दास ने जीसेफ 1.0 नाम के इंस्ट्रूमेंट के तहत पहली तिमाही के दौरान खुले बाजार से परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूति को खरीदने का लक्ष्य की घोषणा की थी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट यदि खरीदती है तो कहीं ना कहीं जो है बाजार में पैसे जो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उसको तो खरीदने के बाद उसको बेचेगी भी, तो लोग भी जो है पैसे इसमें लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे ही, तो कहीं ना कहीं आरबीआई के पास भी जो है पैसे आएंगे, और आरबीआई भी जो है मार्केट में पैसे जो है डालने का काम करेगी। तो चलिए आगे मैं कुछ और बता दूं, आपको जानकारी दे दूं कि सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात की गई है आरबीआई के द्वारा, बिल्कुल होनी भी चाहिए। अभी एक अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ, एक अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ उस सरकार के साथ काम करने की जरूरत है, यानी तालमेल जो होना बहुत जरूरी है, अन्यथा जो है स्थिति देश की बहुत ही खराब होती जा रही है। शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करेगा कि वित्तीय हालात अनुकूल रहे और बाजार कुशलता के साथ काम करते रहे। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हमारे नागरिक जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं, हम सरकार के साथ मिलकर उस हालात में सुधार के लिए काम करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम अपरंपरागत उपायों और नई प्रतिक्रियाओं के अजमाने के लिए भी तैयार हैं। हमें अपने भविष्य को भी ध्यान में रखना होगा, जो इस मोड़ पर भी उज्जवल दिखाई दे रहा है, और भारत दुनिया की सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरने के लिए तैयार है। लेकिन इससे नहीं होने वाली है, मैं साफ बता दूं कि आपका कल ही का स्टेटमेंट आया है कि S&P और वैश्विक जो है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भारत का स्थिति खराब बताया है, और कहा है कि GDP जो है घट कर काफ़ी स्थिति खराब हो सकती है। किसी ने कहा है कि 9.5 हो सकती है, किसी ने कहा कि 7 तक पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो है बदलाव जो है देखने को मिल रहा है, यानी बहुत ही धीमा गति चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन बहुत ही हो रही कम हो रही है। कहीं ना कहीं जो है कोरोना से जो है डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से जो है कमज़ोर होता जा रहा है अर्थव्यवस्था। इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द छूट जो है एक ऐसी निर्णय लेने की जरूरत है, ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है, ताकि इसको जो है कंट्रोल किया जा सके कोरोना का भी, जिससे GDP जो है भारत का सुधर सके और हालात में सुधार हो। उसके लिए बड़े पैमाने पर जो है वैक्सीनेशन की व्यवस्था करनी होगी, एक प्रबंध के रूप में, एक जो कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट और जो है